इस वर्ष बागनगर में हिंदू समाज के दोनों ओर से धार्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। एक और 15 दिवसीय अन्नकूट महोत्सव, वहीं दूसरी ओर बता दें बीते 4 दिनों से नगर के गौलीपुरा चौक में 9 दिवसीय श्री रामकथा चरित्र चित्रण लीला का प्रयागराज से आए 9 सदस्यों के दल द्वारा 9 दिवसीय श्री रामकथा चरित्र चित्रण लीला मनमोहक व भाव विवर करने वाली प्रस्तुति कलाकारों द्वारा गौलीपुरा चौक में गुलाबी ठंड में नगर के मध्य प्रतिदिन रात्रि में दी जा रही है। यही कथा 6 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। श्री राम कथा चरित्र लीला मंचन के दौरान कलाकारों द्वारा श्री राम के चरित्र पर आधारित नाट्य रूपांतरण कर जिसमें ऋषि मुनि राम लक्ष्मण सहित अनेक पात्रों की प्रस्तुति दी जा रही है, जिसका समापन 14 नवंबर को होगा। सीता विवाह का सुंदर दृश्य में भी कलाकार अद्भुत प्रस्तुति दे रहे हैं। रामलीला दल के कथा वक्ता धनराज व्यास व पंडित अक्षय उपाध्याय ने बताया कि हम कथा के माध्यम से हिंदू समाज में धर्म जागरण करते हैं व मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरित्र रामचरित्र चित्रण लीला में नगर में सहयोग भी प्राप्त हो रहा है और प्रतिदिन नगर की जनता इस मंचन को देखने पधार भी रही है, उत्साहवर्धन भी कर रही है। प्रतिदिन कथा के यजमान समस्त नगरवासियों द्वारा आरती महाप्रसादी का लाभ लिया गया है। बाग से राहुल सी राठौर की रिपोर्ट। श्री राम कथा चरित्र चित्रण लीला की टीम के पास मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज चैनल पहुंचा है और आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी बताएं कि 9 दिवस से जो कथा चल रही है ये कितने दिनों से चल रही है और कब तक चलेगी? पहली बात, सभी राम भक्तों को जय श्री राम। आपने सब पूछा, ये 6 नवंबर से कथा शुरू है और 14 नवंबर खत्म, 9 दिवस की कथा है जी। और ये जो आपकी जो टीम है जी, ये जो इस कथा का उद्देश्य क्या है और आप कहाँ से पधारे हैं? हम रहने वाले प्रयागराज के हैं, 9 ब्राह्मण लोग आए हुए हैं। और हमारा उद्देश्य है धर्म का प्रचार करना और हिंदू जन जागृति के लिए कथा कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अपनी सनातन संस्कृति को लोग भूले जा रहे हैं, तो राम कथा वाचन ही नहीं बल्कि राम कथा के साथ साथ श्री राम प्रभु की चरित्र लीला का भी आयोजन है और भक्तों के बीच प्रस्तुति हो रही है। कौन है आपकी जो श्री राम कथा की टीम के जो प्रमुख कौन है और कथावाचक और जो व्यास पीठ पे व्यास गद्दी बैठते वह कौन है? अच्छा, अपने मुख्य मंत्र जी हैं पंडित श्री कालिका प्रसाद उपाध्याय जी और जो कथा वक्ता हैं और अर्थात व्यास जी, अपने पंडित श्री धनराज जी उपाध्याय। चाहिए इस पूरी कथा खर्च और आपका खर्च कौन उठाता है पूरे नगर में अभी तक? उससे तो हम इस कथा को भारत भ्रमण करते रहते हैं और कई राज्यों में कथा हमने दिखाई और उसी प्रकार अपना ये धार जिले में आना हुआ है बाग गाँव में, तो इसके आयोजक कोई नहीं होते, आयोजित समस्त नगरवासी होते हैं। आयोजित कथा हम नहीं करते हैं, हम समस्त नगर वासियों के सहयोग से कथा संपन्न करते हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम है पंडित अक्षय उपाध्याय।